नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल के लिए ये छोटी सी टोपी बनाएंगे जो 6 से 7 नंबर के लड्डू गोपाल में आसानी से फिट हो जाएगी। तो चलिए हम टोपी बनाते हैं। दोस्तों, मैंने सिलाई में 5 फंदे डाल लिए हैं और पहला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दूसरे फंदे में सीधा बुनेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और इसी फंदे में एक और सीधा, यानी दूसरे फंदे में हमने 3 फंदा बना लिया। तीसरे फंदे में सिलाई डालेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और इसी फंदे में एक और सीधा फंदा, यानी दूसरे फंदे में भी मैंने 3 फंदा बना लिया। चौथे फंदे में भी हम 3 फंदा ही बनाएंगे और लास्ट फंदा सिंपल सीधा बुनेंगे। 5 फंदों में से पहले फंदे में और आखिरी फंदे में, यानी 5वें फंदे में फंदा नहीं बढ़ाया गया है और दूसरे, तीसरे और चौथे फंदे में एक फंदे में 3-3 फंदा किया गया है, यानी कि 5 फंदे से 11 फंदा हो गया। पीछे से दूसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। ये हमारा दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड, सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। थर्ड रो और फ्रंट साइड, पहली लाइन में हमने दूसरे फंदे से 3 फंदा बनाया था, तो 2 फंदा इस लाइन में सीधा बुनेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुना और दूसरे वाले फंदे को हमने 3 बार बुना था, 3 फंदा बनाया था, तो इस बार भी हम अब दूसरे, यानी ये दूसरे फंदे का ये मिडिल फंदा है, तो इसमें हम 3 फंदा बनाएंगे। एक फंदा बुना, फिर उन अपनी ओर किया और फिर इसी में एक और फंदा, फिर 2 फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदा सीधा बुना, फिर ये तीसरा वाला फंदा है जिसमें 3 फंदा बनाया गया, तो एक फंदा इधर सीधा बुन लेंगे और एक फंदा इधर सीधा बुनेंगे और बीच वाले फंदे में फिर हम 3 फंदा बनाएंगे। सीधा बुना, फिर उन अपनी ओर किया और फिर इसी में फिर से सीधा बुन लिया, फिर 2 फंदा हम सीधा बुनेंगे और अब ये चौथे फंदे का ये मिडिल फंदा है, इसमें हमने 3 फंदा बढ़ाया था, तो एक फंदा इधर हम बुन चुके हैं और 2 फंदा ये सिलाई में है, तो दूसरे वाले यानी मिडिल फंदे में हम फिर 3 फंदा बनाएंगे। एक फंदा सीधा बना लिया, फिर उन अपनी ओर किया और इसी में एक और सीधा फंदा, लास्ट में ये 2 फंदे बचे हैं, इन्हें सीधा बुन लिया जाएगा। ये हमारा चौथा लाइन है और रॉन्ग साइड, सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे। चार लाइन कंप्लीट हो गया है और ये 5वा लाइन है, सभी फंदे सीधे बना लिए जाएंगे। सातवां लाइन और रॉन्ग साइड, सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। सातवें लाइन में भी सभी फंदे सीधे बना लिए जाएंगे। सातवें लाइन में भी सभी फंदे सीधे बना लिए जाएंगे और पीछे से यानी 8वीं लाइन में सभी फंदे उल्टे। 9th रो में हम दूसरे रंग का ऊन लगाएंगे और सभी फंदों में 3-3 फंदा बना लेंगे। अब हमको इस रंग के ऊन की ज़रूरत नहीं है, तो अब हम इसे
काट लेते हैं। प्रत्येक फंदे में हम तीन तीन फंदा बनाएंगे, सीधा बुनेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, फिर इसी फंदे में एक और फंदा, तो ये तीन फंदा हो गया, फिर अगला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और फिर इसी फंदे में एक और फंदा, ये तीन फंदा हो गया, फिर अगला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और इसी फंदे में एक और सीधा फंदा बना लेंगे। नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और फिर इसी फंदे में एक और सीधा फंदा बनाएंगे। एक फंदे में तीन तीन फंदा बनाया, इसी तरह करते हुए सभी फंदे बना लिए जाएंगे। आखिरी फंदे में भी तीन फंदा बना लेंगे। इस तरह हर एक फंदे में तीन तीन फंदा हमने बढ़ा लिया। शुरुआत में हमने पांच फंदा डाला था, लास्ट के दोनों फंदों में फंदा नहीं बढ़ाया था और दूसरे तीसरे और चौथे फंदे में हमने एक का तीन किया था, यानी कि इसमें छः फंदे बढ़ गए। तो पांच फंदे शुरुआत में थे, छः फंदे बढ़ गए, यानी 11 फंदा हो गया। तीसरी लाइन में भी हमने छः फंदा बढ़ाया था। देखिए यहाँ पे फिर एक फंदे से तीन तीन फंदा किया था तीन जगह, और उसके बाद चार लाइन प्लेन बुना, और अब दूसरा रंग लगा के 17 फंदों में प्रत्येक फंदे में तीन तीन फंदा कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास 51 फंदे हो गए हैं। और अब ये रॉन्ग साइड प्रत्येक फंदे को उल्टा बुन लेंगे, सभी फंदे उल्टे बुन लिए जाएंगे। सभी फंदे उल्टा बुन के आपको दिखाते हैं। सभी फंदे उल्टे बुन लिए जा चुके हैं और हमारा दूसरे रंग के ऊन से ये तीसरा लाइन है, और अब हम सीधा बुनेंगे और दूसरे फंदे को पहले वाले फंदे पे चढ़ा लेंगे। अगला फंदा सीधा बुनेंगे, पिछले फंदे को अगले फंदे पे चढ़ा देंगे, यानी अब हम क्लोज करना शुरू कर चुके हैं। एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा देंगे, सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। इसी तरह करते हुए सारे फंदे क्लोज कर लेंगे। मैं आपको बुन के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, फंदे क्लोज होने शुरू हो गए हैं और ये टोपी का शेप आने लगा है। इसी तरह करते हुए सारे फंदे क्लोज कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदे उतारे जा चुके हैं और अब हम इसको काट लेंगे। और अब इसको सिलने से ये लड्डू गोपाल की टोपी तैयार हो जाएगी। इसकी सिलाई कर देंगे। फिर इसको इसी में
और अब इसको हम काट के किनारे कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल की छोटी सी टोपी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरा बताया हुआ लड्डू गोपाल की टोपी अच्छी लगी हो तो आप इसे बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।